बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट है वो शेयर कर दूंगा मैं। यार एक तो आज आपको पता है जुमेरात वाला दिन है और मैं बिग न्यूज़ ही बोल सकता हूँ इस चीज़ को। आपको रेट साथ में दिखा दूँ आप खुद हैरान हो जाएंगे। हैरान भाई ये पहली दफ़ा तो नहीं हम हो रहे हैं, लेकिन यार झटका तो लगता ही एक दफ़ा। अच्छा बात ये है जी कि जुमेरात वाला दिन है, मैं वीडियो के शुरू में ये एक दफ़ा मेरी बक बक सुन लीजिएगा। जुमेरात वाला दिन आपको पता है कि हम प्रदेशों को छुट्टी होती है, कब पता होता है कल जुमे, आज आराम से मोबाइल चलाएंगे, मजलस करेंगे, गप्पे लगाएंगे और बाद में इतने इतने बड़े जूस के रईसिया जो भाई पीते हैं उनको पता है वो पियेंगे और उसके बाद लंबी तान कर सोएंगे, कल 10-11 बजे उठेंगे। वो जुमेरात वाला दिन हो ऊपर से भाई ऐसी गुड न्यूज़ आ जाए तो वारे नारे हो जाते हैं। मैं महंगाई की सूरत पाकिस्तान में इसके मतलब जल्द एक वीडियो बनाऊंगा। आज भी मुझे 2-4 मैंने चीज़ें परचेज की, मुझे बहुत झटका लगा यकीन कीजिए सोलर सिस्टम के मतलब, वो भी आपको दिखा दूंगा। पर अगर हम डॉलर रेट के मतलब बात करें तो आज का देख लें जी हैरानकुन बात। मैं बोलता हूँ बंदे की सोच खराब हो जाए। आपको पता जब कम हो रहा था 1 रुपया 50 पैसे 60 पैसे 1 रुपया 20 पैसे ऐसे कम हो रहा था, आज एक ही दिन में तकरीबन 19 रुपये बढ़ा है, 285 रुपये प्लस में डॉलर जा चुका है पाकिस्तान में। और इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ जी, वो ये है जी कि कल 4 रुपये कुछ था, आज 1900 रुपये तकरीबन यानी कि 23-24 रुपये दो दिनों में बढ़ चुका है। अगर रियाल रेट की हम बात करें तो रियाल रेट का आज का रेट थंबनेल में जैसा कि आपने पढ़ लिया है 75 यानी कि 75 रुपये पर पहुँच चुका है, लेकिन अभी मैं जो एक्सचेंज रेट देख रहा था ये 75 रुपये प्लस में जा चुका है। ये एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूँ सर मैं। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से भी आपको अपडेट कर देता हूँ मैं। इनमें सबसे पहले आज बात करेंगे ये बैंक जजीरा की। बैंक जजीरा का आज का रेट जो 72 रुपये 64 पैसे हो चुका है। और परदेशियों मेरी एक बात पल्ले बांध लीजिएगा, कल वाली वीडियो में परसों वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कि अभी रोक सकती हैं तो रोक लें, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे वही बात है। तो ना हम कोई गुलाम है, बस ये डायलॉग होते हैं वाकई गुलाम है उनके भाई हम, जो डॉलर का रेट देखने की दर जा रहा है। तो बहरहाल जी अगर अभी भी आपको ये बता रहा हूँ, देखें अगर आपको पाकिस्तान में भेजनी है तो भेजने मुश्किल नहीं है, तो आपकी जारी से बात अपना जहन है जी। अगर आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा यानी कि आपको सैलरी नहीं मिली है या आप कुछ दिन ठहर के भेजना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा STCPA की बात करें तो आज का रेट 72 रुपये 33 पैसे एंड 17 रियाल इनकी फीस है। राजीव बैंक की बात करें तो आज का रेट 72 रुपये 54 पैसे पर राजीव बैंक का रेट पहुँच चुका है और 10-17-25 रियाल फीस। अभी मैं झूठा पढ़ूंगा मुझे पता है, क्योंकि कल को कुछ भाई मुझे कमेंट करके बोलेंगे भाई तू तो 72 बोल रहा था, मैंने भी मिला है तो मुझे 71 मिला, कोई बोलेगा मुझे 74 मिला है, क्योंकि रेट अभी भाई ऐसे होगा ऐसे दिनों में, इसलिए आपको बोल रहा हूँ अगर रोक सकते हैं तो रोक ले। अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो 72 रुपये 62 पैसे आज का रेट 23 रियाल फीस के साथ। अगर मनीग्राम की बात करें तो 72 रुपये 22 पैसे 23 रियाल इनकी भी फीस है। ANB बैंक यानी कि टैली मनी की बात करें तो आज का रेट 72 रुपये 46 पैसे और 15 रियाल इनकी भी फीस। अगर इंजाज बैंक की बात करें तो इंजाज बैंक का आज का रेट 72 रुपये 68 पैसे 70 पैसे पर पहुंच चुका है 72 रुपये और इनकी 10-17-25 रियाल फीस। अगर क्विक पे की बात करें तो क्विक पे आज का रेट जो दे रहा है जी वो 72 रुपये 23 पैसे और इनकी भी 10-17 रियाल फीस होती है। पाकिस्तान में इस वक्त भाई कोई नहीं पता है कि रियाल का रेट क्या चल रहा है, क्योंकि मैं कोई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 से 2 दिन वेट कर लें पाकिस्तान में ये आपको 80 रुपये प्लस में मिल जाएगा और हो सकता है बैंकों में भी 80 उतनी देर तक बैंकों में भी 80 रुपये तक चला जाए।